हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप लोग फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और हम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो गाइस, आज मॉर्निंग का टाइम है, अभी हम लोग सोकर उठे सुबह सुबह, देख सकते हैं घड़ी में जो है 10:35 हो चुका है। तो अभी सोकर उठे हैं और चलिए पहले फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, फ्रेश वगैरह सब कुछ हो गया है, सुहानी भी वॉशरूम चले गई है, अभी चलते थोड़ा मार्केट से सामान वामान लेकर आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आलू वालू नहीं है, थोड़ा सब्जी वगैरह लेते हैं, चलिए मार्केट चलते। अभी आ गए गाइस मार्केट के साइड में, मतलब कि अभी कितना, अभी 9:30 बज रहा है 10, और इतना धूप हो गया है ना गाइस, इतना मतलब अभी का टाइम में निकलने का वहाँ थोड़ा भी दिल ही नहीं कर रहा है, क्या बोले, इतना ज़्यादा धूप है। ये भैया है सब्जी वाला, आ गए थे, देखते क्या ले। तो गाइस आलू और प्याज ले चुके हैं, अब चलते हैं सीधा यहाँ से घर। तो गाइस चाय पत्ती भी ले लिया हमने, कौन सा कंपनी का समझ ही नहीं आ रहा है, लोकल कंपनी है, चलते हैं लेकर। तो फाइनली गाइस सब्जी वब्जी लेकर आ गए घर मेरे, देख सकते तो आने क्या सब्जी है, चाय बना रही थी लेकिन चाय पत्ती ख़त्म हो गया, तो हमको कॉल करके बताई चाय पत्ती लाने के लिए, चाय पत्ती लेके आए, अब चाय बनेगा। फाइनली गाइज हमारा जो चाय बनकर तैयार हो चुका है, सुहानी चाय बना चुकी है, और देख सकते हैं सुहानी ब्रेड कटिंग कर रही है, ब्रेड के साथ खाएगी वो चाय, हम तो सिर्फ चाय पियेंगे, तो चलिए चाय पी के बताते हैं सुहानी कैसा चाय बनाई है आज का। वैसे ने बहुत ज़्यादा मीठा कर दी तुम चाय, इतना चीनी डाल दी। तो गाइस सुहानी जो है यहाँ पे आलू चढ़ा कर गई है उबलने के लिए, क्योंकि आज सुहानी जो है बोलिए ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे इसीलिए, और वो जो है ब्रेड पकोड़ा का प्रिपेयरिंग में लगी हुई है, यहाँ पे आलू चढ़ा कर अभी गई है यहाँ से। तो गाइस फाइनली सुहानी जो है ब्रेड पकोड़ा का रेसिपी तैयार करने में लगी हुई है, और वो जो है उसमें जो लगेगा सामान वो हमको जाना पड़ रहा है लाने के लिए दुकान से, ब्रेड और तेल और बेसन तीन चीज़ लाना है, तो चलिए चलते हैं शॉप पे और वहाँ से जो सामान लेकर फिर आते हैं। फ्रेंड्स इतना गर्मी है, अभी जो है 12:15 हो रहा है, और इतना धूप में वो तो निकलने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये सुहानी है ना, ये पूरी मतलब परेशान करते रहती है पूरा दिन भर, ये ला दो वो ला दो, इसका ही चक्कर में वो धूप में भी कभी कभी निकलना पड़ता है, तो अभी क्या कर सकते, अब जाना ही पड़ेगा लाने के लिए, नहीं लाएंगे फिर वो गुस्से ही हो जाती है हमसे। चलिए अभी चलते हैं भाई, सारा सामान वगैरह ले लिए, बेसन ब्रेड और स्प्राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये सब पीते रहते हैं, और इधर पे जो है तेल भी है नीचे दिखे, तभी चलते हैं लेकर घर, क्योंकि सुहानी है जो फ़ोन पर फ़ोन कर रही है कंटिन्यू। तो भाई जो स्प्राइट लाए थे हम, तो सुहानी जो अब डाल दिए गिलास में, क्योंकि इतना गर्मी है, गर्मी का मौसम में मतलब कि क्या करे, मजबूरी में जो स्प्राइट ये सब तो अच्छा बात नहीं है, हमको पता है हेल्थ के लिए, लेकिन इतना गर्मी है क्या करे, क्योंकि सभी लोग पीते हैं इंडिया के, ऑलमोस्ट 80-90% लोग पीते हैं, तो क्या करे, अब ठंड गर्मी का मौसम है पीना ही पड़ रहा है, क्या है कि नहीं। चलिए गाइस स्प्राइट पीते और चिल करते, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आइए आप लोग भी पीजिए स्प्राइट। तो गाइस रोज की तरह चलिए, आज भी कूलर में जो है पानी खत्म हो चुका है, क्योंकि जो है कल 12 में हम डाले थे दोपहर में, तो कल पूरा दिन फिर पूरा रात चला है, और अभी ख़त्म मतलब पानी ख़त्म हो गया है कूलर में, तो अभी जो है पानी इसमें डालते हैं, क्योंकि जो पानी नहीं डालेंगे फिर मोटर उसका ख़राब हो जाएगा, वो जो पानी जो है वो रिसाइकिल करते रहता है वो मोटर। चलिए चलते हैं, लेकिन एक चीज़ हमको आज तक गैस समझ नहीं आया है कूलर में, कि इस पर पानी डालते तो है लेकिन पानी कहाँ चले जाते है? आप लोगों के पास कुछ आइडिया है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा माइंड में चल, जाता कहाँ है पानी, क्योंकि 2 बाल्टी पानी चले कहाँ जाता है। तो गाइस रोज की तरह 2 बाल्टी आज भी पानी है जिसमें डालेंगे उसके अंदर, चलिए इसको खोलते। चलिए गाइस खुल चुका है ये वाला, देख सकते पानी इसमें कल यहाँ तक भर दिए थे, और ये खर्चा कहाँ चले गया समझ ही नहीं आ रहा है। तो
गाइस देखिए कल की तरह आज भी जो पानी यहाँ तक फुल कर दिए है। अब देखते हैं फिर कल सुबह तक पानी कहाँ चले जाएगा, हमको पता ही नहीं चलता। तो चलिए अब इसको जो है इसमें फिट करते हैं। तो फाइनली गाइस जो है इसमें सारा कुछ सेट कर दिए, पानी डाल दिए, इसको फिट भी कर दिए। अब चलिए इसको चलाते हैं। पहले जो ये फ्लोर पे पानी गिरा इसको साफ कर देते हैं। तो गाइस पानी वानी भर के मस्त अब फैन चलाकर बाहर बैठ गए। सुहानी जो है अंदर में खाना बनाने का, मतलब खाना नहीं, वो ब्रेड पकौड़ा बनाने का प्रोसेसिंग में है। अब इसका भी चलना है थोड़ा बहुत हेल्प करवाने के लिए। रिपेयरिंग में है और ब्रेड पकौड़ा का यहाँ जो है सुहानी देखिए आलू रेडी कर चुकी है। इसका मसाला जो है ब्रेड में जाएगा और उसके बाद जो तेल भी गर्म हो चुका है, अगर देख सकते हैं इतना सारा ब्रेड है। तो ब्रेड का आज पकौड़ा बनेगा। देखिए इसका कैसे कर रही है। तो गाइस अब जो यहाँ से मोर्चा संभाल चुके हैं हम सुहानी का, जो है वो मतलब वो फ्राई करेंगी और हम इसको जो है ये कर करके मतलब आलू वगैरह जो है लगा कर रेडी कर कर सुहानी को देंगे, तभी जो फ्राई करेंगे। और चलिए आलू उसमें लगाते हैं। देखिए गाइस आलू लग चुका है। अब इसको ऐसे करके इसमें ऐसे फिट करेंगे फिट करेंगे उसके बाद अच्छा से दाब के करो ना उसको, ऐसे करके इसको काटेंगे। और ये मेरा हाफ ग्रेड पकौड़ा रेडी हो गया। मतलब पकौड़ा नहीं हुआ है, इसको पकौड़ा बनना है, ग्रेड रेडी। चलिए ऐसे करके सारा ब्रेड को कंप्लीट कर फ्रेंड। देख सकते हैं हम यहाँ पे जो एकर लगा के इसमें आलू भर कर दे रहे हैं और सुहानी इधर पे फ्राई कर रही है। देखिए एक अभी चढ़ा हुआ अभी कढ़ाई में फ्राई हो रहा है। गाइस देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है देखने में, आज उस दिन से भी अच्छा लग रहा है देखने में। क्या हमको नहीं मिलेगा? मार हो जाएगा, राइट उखड़ जाएगा, फिर हमको नहीं मिलेगा। देख रहे गाइस हमको ही नहीं मिलेगा, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, उधर भी बना दे सारा सामान ला के एक मिलेगा। बस बोले ना मार हो जाएगा, एकदम लाठी चल जाए, गोली बंदूक चल जाए। गद्दारी तू कर दे हमरा से। तो गाइस देख सकते सुहानी इतना सारा बना चुकी है ब्रेड पकौड़ा। चलिए अब इसको टेस्ट करते है कि कैसा बना है, जो है उस दिन से बेटर है ऐसे अगर देखने में। देखिए उस दिन से ज़्यादा छोटा बन गया है आज, क्योंकि आज जो है बड़ा ब्रेड ख़त्म हो चुका था दुकान में, छोटा ही था इसलिए छोटा लाए, छोटा ही से बना। चलिए अब इसको खा कर बताते हैं कि कैसा बना ये सुहानी। देखिए कितना खुश है, जान ले बुका हो। बहुत अच्छा बनाइए। अच्छा गाइस कूलर के पास बैठ के अब ब्रेड पकौड़ा खाने का मजा ही आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं घर में पूरा एकदम सुहानी जो है खाना वाना बना कर मस्त जो है घर का साफ सफाई भी कर दी है, पूरा घर चमक रहा है। तो गाइस यही हम लोगों का डेली रूटीन रहता है, हम लोग ऐसे ही हमारे जो है ब्लॉग में हम लोग मतलब आप लोगों को दिखाते हैं हमारा, हम लोग डेली ऐसे ही लाइफ रहता है, ऐसे ही अपना हम लोग जो है अपना रोज एवरी डे जो है स्पेंड करते हैं अपना दिन ना, जो भी डे है ऐसे ही हमारा कट जाता है हंसते खेलते खाते पीते। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम लोगों को कैसा लगता है आप लोगों को ब्लॉग, हम लोगों का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, हम लोग कैसा लगते हैं। आई नो कि वो कुछ लोग हैं जो जेलस है, जेलस करते हैं हम लोगों को देखकर, लेकिन ये भी मुझे पता है अच्छी तरीके से कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हमसे प्यार करते हैं, सुहानी से भी प्यार करते हैं। बस ये प्यार हमको उन लोगों से ही चाहिए और किसी से नहीं। अदरवाइज जिनको जो हेट करते हैं हमसे हेट करें करते रहे, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, आप लोग हेट करते रहो, हेटर्स लोग के लिए खास करके। चलिए अभी चलते हैं, क्या बोले खाना वाना खाएंगे। तो गाइस ये जो हमारा स्पीकर है जो हमारा वीडियो शूट करने वगैरह में काम आता है ये वीडियो स्पीकर, तो आप लोग इसका साउंड सुनाते हैं। ऐसे कॉपीराइट आने का इशू है, लेकिन आप थोड़ा सा इसका साउंड फुल करो।
तो गाइस देखा आपने, इसमें ऐसा साउंड है, ज़्यादा से आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा फिर मेरे वीडियोस पे। तो चलिए अभी ये स्पीकर लाए लेके इसको ही चलते। तो गाइस फाइनली जो है हम लोग अभी सोचे कि घर में बैठे बैठे आज संडे का टाइम है, क्या करें। बहुत देर से सोचते तो आनी वैसे भी कलसम को परेशान कर रही है घूमने चलो, तो हम सोचे चलो आज चलते ही कहीं घूमने। तो आज हम लोग सीपी मतलब कन्नौट प्लेस जा रहे हैं कि थोड़ा सा जो है टाइम पास भी हो जाएगा, दो चार रील भी शूट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सुहानी जो है रेडी हो रही है अभी, और हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। और ये देख सकते हैं ये हमारे मित्र हैं, तो हमारे साथ वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हम लोगों को रिसीव करने के लिए हमारे घर पे आए हुए हैं, मौज करेंगे मस्ती करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राज, ठीक है। और हम जा रहे हैं दिल्ली, राजीव चौक कनॉट प्लेस सीपी, दिल्ली की सीपी और सुहानी बहन की डीपी सेम है। तो गाइस फाइनली जो है हम लोग 5:35 पे हम लोग निकल रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा वीडियो शूट कर पाएंगे वहाँ पे, बट देखते हैं कोशिश करेंगे आज रील शूट होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम भी हो चुका है। चलिए चलते हैं पहले मेट्रो, अभी राजीव चौक जाने में भी टाइम लगेगा। गाइस आ चुके हैं मेट्रो के लिफ्ट में, देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ पे जो इसको टिप देते हैं तो आप में लिफ्ट आ जाए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है गाइस, इतना टाइम में भी निकलने से इतना धूप है, 6 बजे तक फिर भी इतना धूप है, क्या करें इतना गर्मी। चलो फाइनली गाइस हम लोग राजीव चौक आ चुके हैं, मतलब राजीव चौक में ही है जो कन्नौट से प्लेस है यानी सीपी है, हम लोग आ चुके हैं। सुहानी पीछे हमारे साथ है देख सकते हैं। अभी जो हम लोग पार्क के अंदर जाएंगे, ये है पार्क देखिए, अब इसके अंदर हम लोग को हमें जाना है, हमारे और भी कुछ फ्रेंड है जो अंदर में हमारा वेट कर रहे हैं बहुत देर से, तो चलिए वहाँ पे चलते हुए लोगों से मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते, आप लोग चिल्लाना मत, दोनों का ब्लॉग भी देखते हैं। तो गाइस हम लोग पार्क में बहुत सारा वीडियो शूट करने के बाद जो समय हो चुका है 8 बज गया है, तो इसके वजह से जो पार्क बंद हो गया है, तो हम लोग आ गए कन्नौट प्लेस सिटी के साइड, देख सकते हैं इस साइड में, और थोड़ा बहुत जो इधर भी शूट कर ले रहे वीडियो, और अभी तो टाइम 8 बज गया है, चलिए इधर शूट करके यहाँ से घर निकलेंगे सीधा और ब्लॉग को करेंगे द एंड। तो गाइस देख सकते हैं सुहानी को, क्या सुहानी ने क्या खरीदे अपने सर पे, क्या लगा के जुगनू बन गई है, कैसी लग रही है गाइस कमेंट में बताइए सुहानी कैसी लग रही है, जुगनू कैसा लग रहा है। तो गाइस समय देख सकते हैं 9 बज चुका है, और हम लोग जो है यहाँ पे भी वीडियो शूट कर रहे थे कन्नौट प्लेस में, तो अभी जो है कुछ पुलिस वाले लोग आके यहाँ पे इशू कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारा वीडियो शूट किए हैं, आप लोगों को हमारा इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही वीडियो को मतलब देखते देखिए और प्यार सपोर्ट दीजिए। तो गाइस समय देख सकते हैं जो है 10:20 हो चुका है, और हम लोग अभी पहुँचे अपना घर यानी अपने मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से जा रहे घर 2 मिनट का रास्ता है, और अब क्या करना है अब यहीं पे करेंगे ब्लॉग को द एंड। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारा वीडियोस अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट और दुआ आशीर्वाद ब्लेस हमारे ऊपर सुहानी ऊपर बना के रखिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही हम अपना ब्लॉग देते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।